चेन्नई की जीत से खुश सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली पर निशाना साधा, सीएसके के बैन पर उठाया सवाल। रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से टीम के फैंस खुश तो हुए ही, उनसे भी ज्यादा खुशी में देखे गए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इसका इजहार अपने एक ट्वीट में किया। ट्वीट की खास बात यह रही कि उन्होंने मैच और सोशल मीडिया के बहाने एक बार फिर अरुण जेटली पर निशाना साधा। जेटली के अलावा उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला पर भी हमला बोला। स्वामी के इस ट्वीट का अर्थ साफ है कि सीएसके और श्रीनिवासन के साथ जो कुछ हुआ वे कोरी साजिश का हिस्सा था। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, तो एक बार फिर चेन्नई ने खिताब अपने नाम किया। दाऊद के साथ मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स और श्रीनिवासन को क्रिकेट से हटाने की साजिश रचने वाले शरद पवार, अरुण जेटली और राजीव शुक्ला को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। आपको बता दें कि दो साल पहले सट्टेबाजी और फिक्सिंग को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो साल का बैन लगाया गया था। स्वामी इस बैन के खिलाफ थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जो खारिज कर दी गई थी। तत्कालीन बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद के मैयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के मलिकों में से एक थे। तब यह मामला काफी सुर्खियों में आया था और श्रीनिवासन को अपना पद छोड़ना पड़ा। स्वामी और जेटली के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, यह जग जाहिर है। अक्सर देखा गया है कि जब भी स्वामी को जेटली का विरोध करने का मौका मिलता है, वे इससे चूकते नहीं। सीएसके की जीत पर भी यही हुआ। हालिया मामला पीएनबी महाघोटाले का है, जिसे लेकर स्वामी ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस घोटाले पर सिर्फ अरुण जेटली ही नहीं बल्कि पूरा वित्त मंत्रालय चुप है। रिजर्व बैंक के बोर्ड में बैठने वाले बैंकिंग सेक्रेटरी भी चुप हैं। उन्हें कुछ करना चाहिए।